कांग्रेस ओबीसी कुल्हान प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कदमा स्थित रानी कुदर कार्यालय में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इधर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र सोनकर ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन पर सालों से आंदोलन कर रहे हमारे किसान भाइयों की मांगों को भारत की ताना सरकार को मानना पड़ा और तीनों काले कानूनों को प्रधानमंत्री के द्वारा निरस्त करने का आश्वासन दिया गया है, जिसे लेकर भी लगातार हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता संघर्ष करते आए और आज सभी लोगों ने मिलकर लड्डू वितरित किया है। उन्होंने कहा, हम उस दिन आतिशबाजी भी करेंगे जिस दिन सरकार के द्वारा काले कानून को लोकसभा में निरस्त किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस के पूर्व महिला अध्यक्ष मंजीत आनंद, सुंदरनगर के अध्यक्ष आशीष ठाकुर आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जन्म जयंती को मना रहे हैं धूमधाम से और साथ ही साथ सभी लोग जानते हैं आज भारत देश के गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत शुभ और नेक गुरु गोविंद जी गुरु नानक शाह बाबा की जयंती मनाई जाती है और साथ ही साथ हमारे देश के किसान भाई जो संघर्ष कर रहे थे उनको एक बड़ी जीत मिली है उसका भी खुशी मना रहे हैं और साथ ही साथ शहरवासियों को हम सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इंदिरा जी को श्रद्धांजलि देते हुए और हमारे जितने भी किसान भाई शहीद हुए हैं जिनकी आज जीत हुई है उनका शहादत का दिन जीत है उसके लिए आज हम लोग लट्टू वितरण करके और मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा ये कांग्रेस का संघर्ष था, इसलिए भी हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता खुशी हैं, जश्न मना रहे हैं और आज हम सभी साथी लड्डू बांट रहे हैं। आतिशबाजी रोक कर रखा हूँ, जिस दिन ये बिल पास होगा सदन से उस दिन हम आतिशबाजी भी करेंगे और उसी दिन सच्ची श्रद्धांजलि हमारे उस किसान भाइयों को मिलेगा जिस दिन बिल पारित होगा और हमारे किसान भाई पूर्व की तरह अपने काम में मस्त होकर देश की जनता का पेट को पालने का काम करेंगे। धन्यवाद।